शिक्षा की जिसने जीवन में उजियारा है, शिक्षा हमसे छूट गई तो, शिक्षा हमसे छूट गई तो जीवन का अंधियारा है। चढ़ावा 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 चढ़ावा। बहनों, हमें आज सीखना है दो अक्षर री और औ। अम्मा, गांव में सभी लोग दिखाई दिए लेकिन वो सुधा, वो दिखाई नहीं रही। अरे वो तो घर में रह रहे हैं ना आजकल। क्यों? अरे बुद्धू, ब्याह आया उसका। ब्याह कब? इस दिवाली पे। अरे लिखवाया तो था चिट्ठी में तुझे। तेरी तो किसी भी चिट्ठी में उसके ब्याह की बात नहीं थी। अरे हाँ, सुधा ही तो लिखे थी चिट्ठी, वो अपने ब्याह की बात कैसे लिखती। कहाँ हो रही है उसकी शादी? यही सुंदरपुर में हो रही है। पर क्या? सुना है कि अच्छे लोग ना है वो। तो फिर क्यों हो रही है ये शादी? अरे बेटा, अब जबान दे दी है। अम्मा, ये जबान देना क्या होता है? इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़की को कुएं में धक्का दे दो। अब तो भैया ये सुधा का नसीब है। देखो मैं, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर वो लोग अच्छे ना हुए तो मैं ये शादी रुकवा दूंगा। शादी रुकवा देगा किस हक से? कौवे को देखकर औ की मात्रा याद आई ना? आ के डंडे पर रखी हुई कौवे की खुली चोंच औ की मात्रा। और इसके आगे लगाया आ, बन गया औ। अक्षर सीखने जा रहे हैं वो भी तुम्हारा जाना पहचाना है। इस अक्षर का नाम है बड़ा औ। इसको लिखने के लिए वही पहले आधा गोला, फिर एक और आधा गोला ऐसे, अब बीच में ये लेटी लकीर, खड़ा डंडा, एक और खड़ा डंडा, और अब बिंदी बिंदी से मिली हुई ये तिरछी लकीर, ऐसी ही एक और लकीर ऐसे, और अब वही छत वाली लकीर। आओ, एक बार फिर देखो। पहले दो आधे गोले ऐसे, उसके बाद लेटी लकीर, खड़ा डंडा, खड़ा डंडा, ऊपर दो मात्राएं ऐसे, बीच में छत वाली लकीर। ये बन गया अक्षर बड़ा ओ। मेरे ख्याल में समझ आ ही गया होगा। तो अब मैं चलूं, फिर मिलूंगी। हाँ, अरे जानती हूँ ये सब क्या है। औ, ज, आ, र, औजार। मेहनत करने वाले हाथों को अगर औजार मिल जाए तो वो क्या क्या कर सकते हैं? औजार, ये है औरत। औ, र, और त, औरत। जानती हो ना, औरत के कितने प्यारे रूप होते हैं, बहन का, बेटी का और माँ का, औरत। और औरत को सबसे ज्यादा प्यार होता है अपनी औलाद से। औ, ल, आ का डंडा और द, औलाद।
देश को कौमों को बनाए औरत ही माँ है औरत ही बहन है औरत ही बेटी है वो किसी तरह भी नहीं है मर्दों से कम औरत ने ही दिया है हम मर्दों को जन्म सबसे मुश्किल अक्षर है देखो री का अगला भाग बिल्कुल शेर के जबड़ों जैसा लगता है और पिछला भाग बिल्कुल दुम जैसा ये है री इसका पिछला भाग शेर के दुम जैसा और अगला भाग शेर के जबड़े जैसा शेर देख के डर तो नहीं रही हो ना री अगला भाग शेर के जबड़ों जैसा और री का पिछला भाग शेर की दुम जैसा री बहनों अब जो हम सीखेंगे वो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे बहुत मुश्किल है पर लिखने में बहुत ही आसान है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये अक्षर है री लिखें इसे पहले ही छोटी सी चांद जैसी लकीर फिर इसके दुम से मिलाकर एक तिरछी लकीर अब खड़ा डंडा और अब एक यूं लकीर हल्की सी बिंदी फिर इसी से मिलाकर छोटी सी लकीर और अब इससे मिलाकर ये आधा गोला ये बन गया री और ऊपर वही छत वाली लकीर बन गया अक्षर री एक बार फिर देखें पहले चांद जैसी लकीर फिर ये दुम वाली लकीर खड़ा डंडा एक और लकीर बिंदी लकीर फिर ये आधा गोला ऊपर छत वाली लकीर री बहनों मेरे जाने के बाद इस अक्षर को बार बार लिखकर दोहराती रहना ठीक है ना अच्छा मैं फिर मिलूंगी नमस्ते री ण ऋण ऋण कहते हैं कर्जे को उधार को देखो कमला बैंक से ऋण लाई और अपना छोटा मोटा धंधा शुरू कर दिया ऋण
हमारे जीवन में औरतों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए नहीं कि वो घर गृहस्थी चलाती है, बल्कि इसलिए भी कि उसमें सहनशीलता है। वो माँ है, बहन है, बेटी है। अब देखिए, एक हमारी बेटी शहर से आई, उसने तो सारे गांव का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक हमारी बेटी सीता, आपकी मौसी, जो इसी गांव की गलियों में पली बढ़ी, उसने प्रेम जैसा बेटा हमें दिया। सच तो यह है कि हमारा जीवन सदा औरत का आभारी रहेगा। अब कुछ ही दिनों में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि उनमें से दो पंच औरतें हों। अब यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम किस किस को चुनोगी। हमारे गांव से जो भी चुना जाए वो निर्विरोध हो। मैं नहीं चाहता कि चुनावों के नाम पर हमें फूंक पड़े। आके डंडे पर रखी हुई कौवे की खुली चोंच, औ की मात्रा। औ की मात्रा से पहले रख दीजिए अक्षर अ और बन गया अक्षर औ। री, अगला भाग शेर के जबड़ों जैसा और री का पिछला भाग शेर की दुम जैसा। औरत औ ला आ का डंडा दा औलाद औ जा आ का डंडा रा औजार री ना ऋण। बहनों, हम आज फिर सीखेंगे दो अक्षर श और आई। पत्थर निकलवा लेना है। अच्छा, ध्यान से शाम तक पहुंच जाएगी है तो ये जब पहुंच जाएगी तो इसको सारा पूरा ढक देंगे। सही है कि नहीं? ठीक है। देख लो, तुम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की, पंचायत ने पाइप डलवा दिए, तो जो नालियां पहले बाहर थी वो सब अब अंदर आ गई। उसका क्या फायदा हुआ? पानी जो है बाहर इकट्ठा नहीं होगा। जब पानी बाहर इकट्ठा ही नहीं होगा तो गंदगी कहाँ से फैलेगी? जब गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारी नहीं फैलेगी, है कि नहीं? तो गाँव जो है पूरी तरह से साफ सुथरा रहेगा। अगली बार जब मैं आऊँ तो गाँव इसी तरह से साफ सुथरा मिलना चाहिए। मेहनत इसी तरह से जारी रखना। अगली बार जब मैं आऊंगा तो उससे भी कोई बड़ा काम करेंगे। ये है अपना जाना पहचाना अक्षर प। प का पेट बीच में से इस लकीर से काट दो तो बन जाएगा अक्षर श। ये है प, इसके पेट में ये लकीर डाली, बन गया श। देखो बहनों, अब तो हमको मिलते हुए कितने दिन हो गए। मुझे तो यही लगता है तुम लोग रोज ही मेरा इंतजार करती होगी और हर दिन ये सोचती होगी कि अब क्या सीखेंगे। खैर बहनों, आज जो हम सीखेंगे वो है अक्षर श। इसको लिखना भी बहुत आसान है, लिखे चलो। पहले बनाई एक घूमी हुई लकीर ऐसी और अब वही खड़ा डंडा और बीच में
ये तिरछी लकीर बना दी। ऊपर क्या रह गया? छत वाली लकीर। अक्षर श। ये बन गया अक्षर श। एक बार फिर देखे, घूमी हुई लकीर, खड़ा डंडा, अंदर तिरछी लकीर, ऊपर छत वाली लकीर। समझ आ गया ना? हाँ? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अब तक जो सीखा है वो खुद भी लिखती रहना और दूसरों को भी सिखाना, ठीक है ना? ये है एक ऋषि। री श पे छोटी ई की मात्रा ऋषि। ऋषि अपनी साधना में मग्न है। ऋषि भाई, तीर या बाण चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? धनुष की। धनुष। ध न, न पे छोटे उ की मात्रा श, धनुष। औरत। ये तो औरत बन गया। भूल गया की मात्रा। अरे हाँ, याद आ गया। याद आ गया, इतनी जल्दी भूल जाती है। कौरी डांटे माते, मैं तेरी दाल सेव दूंगी। घुस देती है। कौरी मैं तेरी मौसी ना हूँ। हो, पहले लिखो घोषणा। आसान आसान बोलना। मासी तो इम्तिहान है तुम्हारा। अब लिखो। फिर भी है श नहीं श। हाँ याद आ गया, अब ना भूलने के। ये दे। अब लिखो ऐलान। ऐसा मैं फट से लिख दूंगी, देख। हाँ ना, देख। बिल्कुल ठीक। अब बंद करें, बाद में समय मत खराब करो। लिखो, गौरी प्रेम की बहन है। री बेटी, मेरे तो हाथ दुख गए। अब बस बंद। बातें बंद। लिखो, गौरी प्रेम की बहन है। प्रेम की बहन है। ले। पहचान लिया ना? ये है अक्षर ए। इस पर अगर ए की मात्रा रख दे तो बन जाएगा अक्षर आई। ए, ए पे लगाई ए की मात्रा, बन गया आई। हाँ बहनों, मैं फिर आ गई। देखो ये अक्षर भी बहुत आसान है जो मैं अभी तुम्हें सिखाने जा रही हूँ। ये है ए। इसको लिखने के लिए सबसे पहले ये खड़ा डंडा, इससे मिलाकर एक तिरछी लकीर ऐसे, और ये खड़ा डंडा, इससे मिलाकर एक और तिरछी लकीर यू, ऊपर ये मात्रा वाली लकीर ऐसे, और वही छत वाली लकीर, ये हो गई ए। एक बार फिर देखें, खड़ा डंडा तिरछी लकीर, खड़ा डंडा
तिरछी लकीर, ऊपर मात्रा वाली लकीर, ये छत वाली लकीर, ये बन गया। आए, समझ आ गया ना? तो फिर मिलते हैं, मैं चलूं, नमस्ते। पहचान गई ये क्या है? कई लोग लगाते हैं ना ऐनक, ऐनक, ऐ ना क ऐनक। अगर ठीक से न दिखता हो तो ऐनक लगाते हैं। ये है पैर की एड़ी, ऐ ड़ा, बड़ी ई की मात्रा एड़ी। जब भी किसी को कोई जरूरी खबर हम तक पहुंचानी होती है तो वो रिक्शा में एक लाउड स्पीकर लगाकर क्या करते हैं? ऐलान ना, ऐलान, ऐ ल आ का डंडा न ऐलान, ये हो रहा है ऐलान। लो भाई, ये सड़क तो बनकर तैयार हो गई, तो फिर अब इसका उद्घाटन भी होना चाहिए। इसके लिए मंत्री महोदय को बुलाओ सरपंच जी। क्यों फिर? तुम्हारा क्या विचार है? अब हर बात में मंत्री महोदय को बुलाना भी ठीक नहीं होता। तो फिर कौन करेगा उद्घाटन? हमारे सरपंच जी हैं, वही कर देंगे। मैं? नहीं नहीं, ये अधिकार किसी और का है। किसका? बताता हूँ। तुम्हें पता है यहाँ बरसात में पानी भर जाया करता था? हाँ, मैंने तो खुद घुटनों घुटनों पानी और कीचड़ में ये रास्ता पार करा है। ये सड़क बनाने का विचार आया कैसे? पहले तुम्हारे रहीम चाचा ने ही सोचा था इसके बारे में, फिर उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर ये काम आरंभ किया था। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। हमारे रहीम चाचा ही सड़क को जनता के लिए खोलेंगे। इधर आओ रहीम। अभी ये काम अधूरा है। लेकिन सड़क तो पूरी हो गई है। मगर ये अभी कच्ची है। उसे पक्का करने के लिए हमें सरकार से सहायता लेनी होगी। ये काम मेरे जिम्मे, मैं मिलूंगा मंत्री जी से। तो फिर सारी समस्या ही हल हो गई। तो फिर आओ रहीम, कर डालो उद्घाटन। पहले मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। जो चाहे कहो। मैं चाहता हूँ कि इस सड़क पर सबसे पहले हमारे गांव का चहिता प्रेम चले। मगर चाचा, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। मैं रहीम खां के फैसले का स्वागत करता हूँ। आई एड़ा, बड़े की मात्रा एड़ी, आई न का ऐनक, आई ला आ का डंडा न ऐलान, आई का त आ का डंडा एकता, रि श छोटी की मात्रा ऋषि, ध ना छोटे ऊ की मात्रा शा धनुष, घ ओ श ला आ का डंडा घोषणा। अच्छा गोवर्धन चाचा, इजाज़त। हाँ हाँ, चल रहा हूँ अब मैं। अच्छा ताऊ, इजाज़त। हंसी खुशी जा रहे हैं, यहाँ की फिक्र मत ही करना। अच्छा मंगू राम जी, ख्याल रखना सबका, जल्दी मिलेंगे, इजाजत दीजिए। आपकी वजह से बहुत ढारस है। अच्छा तो फिर रहीम खान, हज का सफर मुबारक। जी, मगर ये तो बताओ लौटोगे कब तक? हज खत्म होने पर इंशाल्लाह। अगर हो सके तो कुछ खत वत लिख देना। जरूर सरपंच जी, जरूर। अच्छा इजाजत दीजिए, कहाँ है मेरा यार पंडित? अच्छा भाई रहीम,
हज पर जा रहे हो वहां जाकर हम लोगों के लिए भी दुआ करना और यहां पर बिल्कुल भी फिक्र मत करना तुम अपने बीवी बच्चों की घर बार की हम लोग यहां है ना अरे ये भी कोई कहने की बात अच्छा है पंडित भाई भगवान तुम्हारी ये शुभ यात्रा बहुत बहुत सफल करे अच्छा पंडित खुदा हाफिज अच्छा अच्छा हाँ हाँ